अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम इस वक्त आपको एक बड़ी खबर से आगाह करने जा रहे हैं। एक नहती लड़की इस्लामाबाद में बैठी हुई माँ रंग मलोच के खिलाफ सिंध के एक थाने पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सिर्फ उसमें ना माँ रंग मलोच को नहीं बल्कि 300 दीगर अफराद को भी नामजद किया गया है। ये एफआईआर मारंग बलोच के खिलाफ सरकारी मदियत में दर्ज की गई है, जिस पे उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो रियासत पाकिस्तान में इंतशार फैला रही है। मारंग बलोच के खिलाफ ये एफआईआर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक तहसील है, एक छोटा सा इलाका है वडा माछियो, ये समझे कि खैरपुर का एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक छोटे से गाँव पर इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हैरानगी की बात है ना, बिल्कुल हैरानगी की बात है, क्योंकि मारंग बलोच बेटी इस्लामाबाद में लेकिन इंतशार सिंध में फैला रही है। मारंग बलोच के साथ अपने प्यारों के मजहबी के लिए बैठे हुए लोग इंसाफ के लिए पुकार रहे हैं इस्लामाबाद में, लेकिन वो इंतशार सिंध में फैला रहे हैं। ये एफआईआर सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि सिंध पुलिस के लिए भी एक शर्मनाक अमल इसको कहा जा रहा है। इस अमल को सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग किस तरह सिंध का अमन तबाह कर सकते हैं, किस तरह सिंध में जो है इंतशार फैला सकते हैं। ये एफआईआर सिर्फ एक एफआईआर ही होगी। अगर ये एफआईआर किसी भी अदालत में चली जाए, फिर वो एक छोटी सी अदालत हो, सिविल कोर्ट हो या जुडिशल मजिस्ट्रेट हो, कहाँ भी चली जाए, एक झटके में फायर हो जाएगी। अब समझने की बात यह है कि जब इतने बड़े इदारों को पता है कि इस एफआईआर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो ये एफआईआर दर्ज करने का मकसद क्या था? क्या इस एक एफआईआर से वो इस्लामाबाद में बैठे कई रोज से लोगों के हौसले तोड़ सकते हैं? यकीनन नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उन पर लाठियां भी बरसी, उन पर दीगर कई तशद्दुद भी हुए, उनको जेलों में भी डाला गया, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। क्या ये एफआईआर मारंग बलोच के हौसले तोड़ पाएगी? यकीनन इसका जवाब नहीं में आएगा, और ना ही मारंग बलोच के साथ बैठे हुए दीगर बच्चे, खवातीन, मर्द, नौजवान, उनके हौसले इस एफआईआर से कमज़ोर होंगे। तो लिहाजा हमारा मशवरा यही है कि रियासत को संजीदगी से इन बातों पर गौर करना चाहिए, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों से बात करनी चाहिए। ये हमारे अपने हैं, ये हमारे प्यारे हैं, ये हमारे बलूचिस्तान के मकीन हैं, हमें इनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इस मामले को बातचीत से ही हल करना चाहिए, ना कि सिंध में ऐसी एफआईआर या बलूचिस्तान में ऐसी एफआईआर या पंजाब में ऐसी एफआईआर काट कर मामले को और तोड़ दी जाए। तो सिंध में दर्ज की गई एफआईआर में मारंग बलोच समेत 300 अफराद को नामजद किया गया है, और ये एफआईआर सरकारी मदियत में दर्ज की गई है। हम आपको बता रहे हैं ये एफआईआर सरकारी मदियत में दर्ज की गई है, और इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि मारंग बलोच सिंध में बल्कि पाकिस्तान में इंतशार फैला रही है। इस्लामाबाद में इंसाफ के लिए बैठे हुए लोगों पर सिंध में एफआईआर दर्ज करना एक बड़ा सवाल निशान है, एक बड़ी हैरानगी की बात है, जिसको सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक की तंजीमों से वाबस्ता लोग बड़ी मजम्मत कर रहे हैं और फॉर इस एफआईआर को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं।